सभी साथियों का मैं डॉक्टर कौशल पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छता समाज की आवाज। स्वच्छता समाज की आवाज में हम बात करेंगे जाने माने अधिवक्ता हरियाणा के रजत कलसन से। रजत कलसन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में दिल्ली के पूरे भारत में जाने माने वक्ता हैं ओपी शुक्ला जी। आप दोनों का मैं स्वच्छता समाज की आवाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। रजत जी, मैं सीधा आपसे बात करना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो कामेश वाल्मीकि की जो हत्या की गई, वो पूरा एपिसोड क्या है और किस तरह के तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन है, आप थोड़े हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। रजत कलसन, देखिए, रजत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप सभी जी इस घटनाक्रम के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग लेने वाले हैं और हरियाणा। रजत की आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर कौशल। रजत जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, थोड़ा लाउड करें, लाउड करें, थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा रजत आपको। मैं ये मैं माफी चाहूंगी दर्शकों से, थोड़ी सी इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम है। रजत आपकी आवाज में बिल्कुल मुझे सुनाई नहीं दे रही। तब तक हम एक काम करते हैं, हम सब जानते हैं कि जो जो फुटेज आई है ऑफिसर, जो फुटेज हमारे सामने है, जिस फुटेज में हमें दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगी कि दर्शक उसको थोड़ी देर के लिए पहले वो देख लें। जब तब तक हम रजत जी की आवाज भी क्लियर कर लेंगे, जी कोशिश करेंगे पूरी की पूरी आवाज आप सबके सामने आए। रजत जी आप थोड़ा सा वॉल्यूम ठीक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा आपकी आवाज, मुझे सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज, बिल्कुल भी दिखाई दे रही है आपकी वीडियो। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूंगी कि आप हम लोग इतना जो घटना हुई है ये उसकी वीडियो फुटेज जो हमारे सामने है, उस वीडियो फुटेज को हम लोग एक बार देख लें, क्या है पूरा मामला। अच्छी तरह छोटा टॉवल देखियो।
रजत जी, हम सबने फुटेज को देखा अभी, जिस तरीके से फुटेज हमारे सबके सामने आया है, हम फिर भी चाहेंगे कि आप विस्तार से थोड़ी घटना की जानकारी दें। रजत जी देखिए, आपको साफ पता चल रहा होगा कि फुटेज से बहुत सारे युवक हथियारों से लैस होकर एक निहत्थे युवा के ऊपर टूट पड़े हैं और उसको बुरी तरह उसके साथ मारपीट की जा रही है। और बाद में हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, रजत ये घटना, ताकि तमाम लोगों को जानकारी मिले जी, ये घटना रोहतक की घटना है, जहां पर जो हमारे वाल्मीकि समुदाय का लड़का था शैलेश, और उस शैलेश ने एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ कुछ असामाजिक तत्व मनचले लड़के छेड़खानी कर रहे थे, और उसने उस समय उस लड़की की आबरू को बचाने का काम किया था, उन लड़कों को वहां से भगाया था। तो बाद में बदला लेने की नीयत से वो लड़के पूरे गैंग में आए हथियारों के साथ मोटरसाइकिलों पर, और जैसा आपने अभी फुटेज देखी पवार जी, आपने जो फुटेज दिखाई है, और फुटेज में बड़ी बेरहमी से के साथ उस लड़के को शैलेश को मारा गया। और शैलेश के बारे में हमें पता चला है कि एक नेशनल क्लास का वो एक बॉक्सर था, और बहुत सारी प्रतियोगिताओं में उन्होंने अच्छे गोल्ड मेडल और मेडल वगैरह लिए हैं। और रजत मैं एक छोटी सी चीज जानना चाह रही हूँ कि आप शैलेश नाम बता रहे हैं, लेकिन मीडिया वाल्मीकि के नाम से आ रहा है, क्या हम उसी की चर्चा कर रहे हैं? कमेश वाल्मीकि की आप उसी की चर्चा कर रहे हैं? हेलो जी जी, रजत कमेश वाल्मीकि नाम है उसका या कुछ और है? जो आप ले रही हैं वही नाम है जी जी, ठीक है ठीक। तो मेरे से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा गलती हो जी जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप इस समय की या हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए कि एक युवक जो एक बच्ची को छेड़खानी से बचाने का प्रयास करता है, उसको बचाने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय उसके ऊपर हमला होता है, और इतना बेरहमी से उसके साथ मारपीट की जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। और अभी तक इस मामले में किसी भी सरकार के जिम्मेदार अधिकारी का, सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री का, वहां के लोकल विधायक का, या और किसी सामाजिक संगठन का नाम नहीं आया है। केवल सोशल मीडिया पर उस युवक के सम्मान में ट्रेंड चल रहे हैं और उसको न्याय दिलाने की बात हो रही है। आपने भी इनिशिएटिव लिया है समाज में उसको न्याय दिलाने के लिए, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये कदम उठाया और इस बारे में एक चर्चा आयोजित की। और मैं आपके माध्यम से एक डिमांड करता हूं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से कि जिस तरह से एक सिपाही अपराधियों से लड़ते हुए शहीद होता है, या बॉर्डर पर हमारा फौजी दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद होता है, उसी वही दर्जा हमारे इस भाई को भी दिया जाना चाहिए। और उसके बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे के सारे सरकारी बेनिफिट इनको दिए जाने चाहिए। और जैसा कि सोशल मीडिया पर मांग उठाई जा रही है कि इस भाई को, जो अब हमारे बीच में नहीं रहा, इसको एक गणतंत्र दिवस पर जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति बहादुर बच्चों को सम्मान देते हैं, इसी तरह इस हमारे दिवंगत साथी को भी मरणोपरांत सम्मान दिया जाना चाहिए। और इसके लिए मैं सब जितने भी सामाजिक संगठन है सबसे अपील करता हूं कि अपने अपने संस्थाओं के लेटर पैड पर एक मेमोरेंडम तैयार करके भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजने का काम करें,
और इसके अलावा एक सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई जाए, और जो ऑनलाइन पेटिशन हम करते हैं, एक ऑनलाइन पेटिशन भी कराई जाए, उस पर लाखों लोग दस्तखत करें, ताकि भारत सरकार और हरियाणा सरकार जो हमने मांगे मानी है उन मांगों को मानने के लिए मजबूर हो सके। जी रजत, मैं अब ओपी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली के अधिवक्ता तो हैं ही, वकील तो हैं ही जाने माने, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। ओपी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से बचाने की कोशिश में जद्दोजहद में बदले की भावना से उस लड़के को मार दिया गया, जो हमारा खूनहार हीरा था, बढ़ता हुआ आगे मतलब जिस तरीके से मीडिया में भी काम कर रहा था, सोशल एक्टिविज्म भी उस लड़का का हमारे सामने दिखाई दे रहा है आज, और मुक्केबाजी में भी उसने पदक जीते, तो ऐसा कोहिनूर हमारे समाज का और खासकर वाल्मीकि समुदाय का जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है और सरकार की चुप्पी भी उसमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है, ऑफिसर इसमें कानूनी दाव पेंच किस तरीके के आप देखते हैं? ऑफिस शुक्ला सर, मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस चर्चा में आपने शामिल किया। दूसरा, ये जो आप लोग जो इस तरह की डिमांड आपने रखी है कि उसको राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, ये तो एक अलग इशू हो गया, लेकिन सवाल यह है कि विक्टिम के परिवार को न्याय कैसे मिले, उस पर हम लोगों का क्या, हम लोग उस दिशा में क्या काम कर रहे हैं, क्या उस केस के अंदर FIR लॉज हो गई है? अभी मुझे पता चला कि उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, तो हमें अब इस दिशा में पहले काम करना है कि उसके परिवार को, विक्टिम को न्याय कैसे मिले। ये जो राष्ट्र सम्मान हम राष्ट्रपति के मार्फत दिलाना चाहते हैं, सरकार की तरफ दिलाना चाहते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारा फोकस इस वक्त ये होना चाहिए कि जो दुश्मन जो दोषी हैं उन लोगों को सजा कैसे मिले। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक होनहार बच्चे को उन लोगों ने मार दिया। मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि इसमें मुझे कुछ साजिश भी नजर आती है। आप कहते हैं कि वो बहुत बड़ा रेसलर भी था और एक्टिविस्ट भी था, और जिस तरह से बताते हैं कि वो बड़ा अपने हथियारों के साथ उसने अपने यहाँ लाइब्रेरी भी खोली हुई थी ताकि विद्यार्थी उसमें आए और पढ़े, मतलब उसने दो तीन काम ऐसे किए हुए थे बच्चे ने, कमेश वाल्मीकि ने, कि जो एक दिखाता है कि वो बच्चा होनहार तो था ही, लेकिन समाज के प्रति भी काम कर रहा था, सामाजिक दायित्व भी अपना निभा रहा था। ऐसी स्थिति में ये समझना होगा कि क्या ये एक इत्तफाक था कि वो लड़की की इज्जत बचाते हुए उसके साथ फसाद हुआ, उसे मार दिया गया, या इसके पीछे कोई साजिश है। एक तो ये रेसलर है, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि अच्छे रेसलर जो बहुत बहुत प्रतिभावान है, बहुत आगे निकलने वाले हैं, उसको जैसे दिल्ली में एक रेसलर को मार दिया, क्या इसके पीछे वो एंगल तो नहीं है कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और एक सुंदर बच्चा भी है और साथ में रेसलर भी है, नेशनल लेवल का रेसलर बनने जा रहा है, कहीं उसके पीछे इस तरह की साजिश तो नहीं। हमें इन सारे पहलुओं पर और FIR में, क्या हम FIR से सेटिस्फाइड हैं? जिस तरह की हादसा हुआ है, जिन लोगों को हम चाहते हैं कि उसमें शामिल किया जाए, उनको शामिल किया गया है कि नहीं, ये सब हुआ है कि नहीं? हमारे वकीलों की टीम को, जैसे आपने रजत का जिक्र किया, रजत ये देख के बताएंगे कि FIR के अंदर सब कुछ ऐसा हुआ जैसा विक्टिम के पेरेंट्स ने बताया है, तो हमें सबसे पहले रजत पूरे मामले में जुड़ा हुआ है FIR से लेके। हाँ रजत, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं ऑफिसर भी ये जानना चाह रहे हैं, मैं भी आपसे ये निवेदन कर रही थी कि जो अभी जो लड़के पकड़े गए हैं, फुटेज में भी साफ साफ नजर आ रहा था, तो कैसी FIR दर्ज की गई है, थोड़ा सा ये बताएं आप, क्योंकि इसमें पूरे मामले में सोशल एक्टिविस्ट के नाते भी जुड़े हुए हैं और खुद आप एक जाने माने वकील हैं। अभी तक जो मुझे अपने सोर्सेस से पता चला है, इस मामले में 147, 148, 149, 302 IPC, यानी इलीगल अनलॉफुल असेंबली और मर्डर के सेक्शंस में FIR रजिस्टर हुई है,
और कुछ लोगों को अरेस्ट हुआ है। हालांकि अभी आने वाले 3 महीने केवल इन्वेस्टिगेशन के लिए रहेंगे, क्योंकि 302 में 3 महीने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने में एक मैंडेटरी पीरियड है। तो इसमें जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, ये केस सेशन कोर्ट में आएगा और मैं जल्दी ही 1 या 2 दिन के अंदर, हो सकता आज भी, हम लोग विक्टिम फैमिली के पास विजिट करेंगे और जो भी लीगल असिस्टेंस होगा, जो भी लीगल एड होगी, वो सारा का सारा हम प्रोवाइड कराएंगे जो विक्टिम फैमिली है। और साथ में ही हम लोग इस जो विक्टिम फैमिली है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल जो असिस्टेंस वो अवेलेबल कराएंगे। और मैं, जो हमारे साथ वकील साहब जुड़े हुए हैं, हम पूरा इस केस का फॉलो अप कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसमें, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी तरह की जांच अधिकारी भेदभाव करने का काम करता है तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसको करने नहीं देंगे। और जैसे ही केस कोर्ट में आएगा, जितने भी लोग इसमें चार्जशीट होते हैं उनको हम कैपिटल पनिशमेंट की उसमें मांग करेंगे कि इनको कम से कम कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि इतने लोग मिलकर एक बच्चे को मार रहे हैं, ये इट मस्ट बी ए मैटर ऑफ, जो आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट मैटर है ये। जी ऑफिसर, आपका क्या सुझाव है कि ये जो वाल्मीकि समाज मैं डॉक्टर कौशल, मैं ये जानना चाहता रजत जी से कि एट्रोसिटीज एक्ट लगाया कि नहीं, वो नहीं लगाया हुआ या लगाया है? एट्रोसिटीज एक्ट लगाया उन्होंने आईपीसी? रजत जी, अभी तक एट्रोसिटी एक्ट लगा कि नहीं बेटा? आर्ची इतना जल्दी, आर्ची आर्ची, हेलो हेलो, हाँ जी, क्या इसमें अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि जो इसमें आइडेंटिफाई ये नहीं हुआ है कि जो लोग असलियंट्स थे, हमलावर थे, वेदर दे पीपल वर बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसमें एक्ट भी हम लोग लगवाने का काम करेंगे। अभी तक मेरे को सूचना ये है कि उसमें SC ST एक्ट शायद नहीं लगा है। हाँ, वो तो आपने बता दिया ना, जो प्रोविजन आपने बताए 147-148 वाले जो प्रोविजन बताए उसमें तो अट्रोसिटी एक्ट नहीं है। खैर, अब इसमें जो हमारा जो हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो तो आप रजत, आप तो खुद वकील हैं, इसमें गवाह किन को रखा गया है और हमें उन पर ध्यान देना है कि वो गवाह मजबूत होने चाहिए और उन्हीं को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें इस केस में आगे जीत लेनी है। और ट्रायल कोर्ट में चलता है, हमारा प्रोसिक्यूशन लॉयर कौन है? हम अपना कोई मजबूत लॉयर उसमें खड़ा करें असिस्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन को, क्रिमिनल लॉयर जो एक एक बारीकी को समझता हो? तो उसमें रजत आपसे बेहतर नहीं कोई जानता है, क्योंकि आप वहां कई मुकदमों के अंदर इस तरह में आप लगे रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि हमें एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर, जैसा आपके साथ आप करें असिस्ट या वो आपको असिस्ट करें, आप जैसा कोई अच्छा लॉयर हमारा उस केस में लगे फ्रॉम द बिगिनिंग। जी जी बोलो। इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन को शुरू हुए 1 या 2 दिन ही हुए हैं, तो विटनेस की जहां तक बात है तो अभी देखने वाली बात है कि पुलिस के सामने कौन कौन व्यक्ति एज विटनेस अपियर होता है, एग्जामिन होता है, तो वो देखने वाली बात है। बाकी हमारा मिलना, विक्टिम फैमिली से मिलना बहुत जरूरी है और हम मिलने के बाद ये पता करेंगे कि इसमें मारने वाले लोग कौन थे। अगर कोई दूसरे लोग हैं तो SC ST एक्ट लगाएंगे। SC ST एक्ट लगने के बाद हम अपने किसी आदमी को, मैं खुद या किसी अपने किसी साथी को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट कराने की कोशिश करेंगे ताकि ट्रायल का कंडक्ट हम लोग कर सके। बहुत अच्छा। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि क्या हमें अब तक मर्डर के अब तक ये पता लग पाया है कि ये जो लड़की थी वो कौन थी और जो मारने वाले हैं वो कौन थे, कुछ पता लग पाया है? मैं आज रोहतक में, क्या ये रोहतक में बिल्कुल सिटी की घटना है? जी मैं आज या कल
के दरमियान विक्टिम फैमिली का विजिट करूंगा, फिर सारे के सारे फैक्ट्स पता चलेंगे। अभी मुझे सारे इस केस के फैक्ट्स अभी अच्छी तरह मालूम नहीं है, डॉक्टर कौशल सारे पता करेंगे, फिर मैं सबके सामने रखूंगा। हाँ डॉक्टर कौशल, यस सर, डॉक्टर कौशल, मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी अपना पूरा होमवर्क नहीं किया। एक तो हम लोग पूरी जानकारी लेके नहीं जुड़ पाए हैं। अभी हमारे इस बीच में हम एक काम कर सकते हैं, जो आपने बड़ा अच्छा किया है कि एक कम से कम एक ग्रुप तैयार हो जाए जो इस पूरे केस को देखे। जैसे इन्होंने कहा कि वो विक्टिम फैमिली को जाके मिले, वहां से जानकारी लें, मारने वाले कौन है, किस जाति के हैं, उनकी पूरी बैकग्राउंड मिले, और एक्चुअली ये मसला क्या है, क्यों उस बच्चे के साथ ये दुश्मनी निकाली गई। ये जो होमवर्क किया जा रहा है, ये पूरा होमवर्क कंप्लीट किया जाए और फिर एक टीम खड़ी हो जाए जो हरियाणा में देखेंगे कि हरियाणा में क्या हमें न्याय मिलने की स्थिति बनती है, फिर हम उस पर सोच करेंगे। हालांकि रजत ठीक कह रहे हैं कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर है, अभी उसको काफी समय लगेगा पूरी इन्वेस्टिगेशन होने में, 3 महीने में तो चार्ज शीट फाइल करेंगे 90 डेज में, तो हम वो कर सकते हैं और उनको आर्थिक देने की बात कर सकते हैं, उनको उनके साथ लगातार मीटिंग करके उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं फैमिली की, ताकि वो किसी के दबाव में ना आए, अभी से किसी के दबाव में ना आए। हमें बहुत ज्यादा उनके परिवार को जाकर उनको असिस्ट करना पड़ेगा, उनको मदद देनी पड़ेगी, ये वाले काम हम कर सकते हैं। और सर ये भी है, मुझे ऐसा लगता है, मैं रजत से भी जानना चाहूंगी कि परिवार जिस स्थिति से गुजर रहा है, परिवार एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से भी टूट जाता है अगर ऐसा हादसा, एक तो परिवार जी, जी। लड़के की डेथ होगी, लेकिन इसके बावजूद एक जो डर है कि परिवार में इस तरीके से जो दहशत का माहौल जो बन जाता है, पूरा एक दहशत का माहौल जो समाज में बना हुआ है, उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम परिवार को हौसला दे के रखें और परिवार की जितनी मदद हो सके उतनी हम करें। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रजत साथ में है और काम कर रहा है, लेकिन समाज के एक हिस्सा होने के नाते हम समाज के लोग उनको, परिवार को एक सांत्वना के रूप में जाके मिले, बातचीत करें, ये भी निहायत जरूरी है। और एक उनका एक तरह से हम, रजत क्या ये संभव है कि हम एक फाइनेंशियल एड कुछ ऐसा प्रावधान कर पाए सोसाइटी के लोग मिलके, जैसे आज आज मैं आप सबको ये सूचना दे दूं रजत को, रॉकी सर को, कि फेसबुक पे हम लोगों ने इसके ऊपर डाला जब, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हम लोग परिवार की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि रजत इसमें पहलकदमी, क्योंकि रजत वहां पे है, हम लोग दिल्ली से हैं, और ये सुझाव बाहर के लोगों का भी है। मोंटी जी हैं लंदन से, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप लोग परिवार की जिम्मेदारी के हम परिवार की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाए, हम लोग उनको मदद कर सके आर्थिक रूप से, तो कुछ लोग तैयार हैं। तो क्या ऐसा संभव है रजत, हम कुछ ऐसा करेंगे? कौशल कौशल जी, अभी मैं विजिट करूंगा फैमिली को, आपसे तो केवल सुझाव चाहूंगी, क्योंकि आप, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस केस में SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट अट्रैक्ट हो जाता है तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी सरकार की तरफ से भी, क्योंकि उसमें 9 लाख रुपए सरकार की तरफ से हम लोगों को, विक्टिम फैमिली को मिलते हैं, और सारे लीगल एक्सपेंसेस उन लोगों को मिलते हैं। रही बात प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन के बारे में कल हम रोहतक जाएंगे, रोहतक जाके रोहतक के जो SSP हैं उनको एक मेमोरेंडम देके विक्टिम फैमिली की और विटनेसेस की प्रोटेक्शन की डिमांड भी हम लोग वहां पे करेंगे। और जो क्राउड फंडिंग की बात है, इसके बारे में हम लोग एक सोशल मीडिया पर मुहिम चला सकते हैं, हम उनकी फैमिली का कुछ अकाउंट नंबर वगैरह लेके सोशल मीडिया पर फ्लैश कर सकते हैं, ताकि उसको जो लोगों से मदद मिलनी शुरू हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी मदद होगी। जी ऑफिसर, आपके लिए सवाल है, गौरव जी पूछ रहे हैं आपसे कि अभी तक इस की कोई भी मीडिया में इंफॉर्मेशन नहीं है। कल पोस्ट के बाद हम लोगों ने काफी, जैसे मैंने पोस्ट डाली तो कुछ लोगों ने सर्च करने की कोशिश की, तो मीडिया इसमें एक तरह से खामोश है, जबकि एक ये बहुत बड़ी घटना है। रोहतक इतना भी पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रोहतक से ही आते थे और तमाम गढ़ रहा है रोहतक हरियाणा का। क्या वजह है कि इसके बावजूद भी मीडिया में ये खबर नदारद है? क्या आपको लगता है कि ये क्योंकि सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज का है,
इसलिए ये नहीं हो पाया इस तरीके से। अगर यही युवा किसी और जमात का होता तो उसके कुछ और नजर आता आपको ऑफिसर? देखिए ऐसा है डॉक्टर साहिबा जी, कैंगरी क्या होता है, मैंने मैंने हाथरस वाले मुद्दे को देखा। हाथरस वाले मुद्दे को उतनी ज्यादा प्रेस की पब्लिसिटी नहीं मिली थी जब इनिशियल स्टेज पे था, और उसके बाद वो कितना एक्सपेंड हुआ देखा आप, इंटरनेशनल इश्यू बना। मुझे लगता है कि इसमें भी आपका लोकल लोकल प्रेस, आप क्योंकि हरियाणा वाले लोग ज्यादा बता सकते हैं कि लोकल प्रेस में इसकी कोई खबर है कि नहीं। मैं भी इसे सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, कहीं एक आध अखबार की कोई छोटी मोटी खबर दिख रही है कि अभी इसने वो जो डायमेंशन होनी चाहिए उस केस की, जैसे हमारे दिल्ली में एक दो केस में हुए हैं, जैसे हाथरस में हुआ है, जैसे मिर्चपुर में हुआ था, उस तरह की अभी सिचुएशन नहीं बन पाई। हम बहुत इनिशियल स्टेज पर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी हमको देखना पड़ेगा कि ये बात प्रेस प्रेस से दूर कैसे रहा ये मामला। सोशल मीडिया पे तो आप लोगों ने और सभी लोगों ने मिलकर इसे बहुत अच्छे से उठा दिया, और हम इसे सोशल मीडिया पे और ज्यादा व्यापक रूप से इसको फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहले ये काम होगा, क्योंकि मैं खुद भी ये चाहूंगा, मैं भी वहां जाके एक विजिट करूँ इस परिवार के साथ, और परिवार की स्थिति को समझा कर वो किस तरह के हालात में किस जगह रहते हैं, किस तरह की लोकेलिटी है, सराउंडिंग उसके पास किस तरह की है, मारने वाले लोग कौन है। क्योंकि मैं मेरा ये सबसे पहला मेरा एक ये व्यू बना हुआ है हरियाणा के लिए कि हरियाणा में हमारे जैसे गरीब तबके के लोग को, दलित को, वंचित को न्याय मिलने की संभावना नहीं है। ये मेरा आज से नहीं, बहुत पुराना व्यू रहा है, और ये आज भी मैं मान के चलता हूँ कि वहां आसान नहीं है न्याय मिलना। अभी तो हम शुरुआती बात कर रहे हैं, अभी आगे इसके बड़े जी पहलू निकल कर आएंगे, हमें इस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों, मैं पिछले अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा में इतना आसान नहीं है, और खास तौर से ये दलित समाज में, दलित में भी वाल्मीकि समाज मैतर जाति को, तो इसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। इसीलिए हमको भी एक दो विजिट करनी पड़ेगी वहां रोहतक जाति। जी बिल्कुल, मैं सर मैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से, स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम लोग जल्द ही रजत के साथ टाइप करके वहां पर जाएंगे। रजत, आपके लिए सवाल है मेरे पास कि मंजीत कल्याण आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका परिचय देते हुए बताया कि आप न केवल अधिवक्ता हैं, वकील हैं, बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और मैंने जितने आपके प्रोफाइल को देखा है हरियाणा में, तमाम एट्रोसिटीज की घटनाएं जब होती हैं तो आप लगातार उन पर बोलते हैं, बातचीत करते हैं। ये जो कम्युनिटी का मुद्दा बता रहे हैं लोग, एक तरह से वाल्मीकि क्योंकि नाम आया है इसमें, रजत आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वाल्मीकि कम्युनिटी के ज्यादातर लोग सफाई में हैं, वाल्मीकि लोग कब तक अपने आप को इस काम के साथ जुड़े रहेंगे और कब तक आगे बढ़ेंगे? क्या कोई ऐसा टाइम पीरियड आप बता सकते हैं कि ये लोग थोड़ा आगे बढ़ के कुछ और काम करें? हालांकि हमारे इस प्रोग्राम से हटके सवाल है ये, इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक सोशल एक्टिविज्म की तरफ से एक ये मलकीत मंजीत कल्याण है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए ये इनका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और हम लोग शुरू से ही जब भी कोई पब्लिक मीटिंग होती है या गुरु रविदास जयंती होती है या महर्षि वाल्मीकि की जयंती होती है, हम लोग सबसे पहले जाकर वहां पर अपने जो वाल्मीकि समुदाय के हमारा जो भाईचारा है, हम लोग वहां पर जाकर सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि आप लोग झाड़ू छोड़कर कलम उठाइए और इन कामों को छोड़िए और समान धारा में आने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस समय पूरे प्रदेश में रोजगार की स्थिति बड़ी विकट स्थिति है, और खास तौर पर वाल्मीकि समाज इस मामले में बड़ा क्योर सा फील करता है अपने खुद के बारे में। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये काम भी कभी हमारे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन इसके लिए आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं और जितने भी लोग हैं, सबको एक मुहिम चलानी पड़ेगी, इन लोगों का ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। आज भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो वाल्मीकि कम्युनिटी से हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर, एसपी हैं, डीसी हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे। तो अगर सभी बाबा साहब का जो एक नारा है शिक्षित होने वाला, अगर उसको फॉलो करें तो इस काम से भी और एक मानजनक जिंदगी भी वो लोग
और इसके लिए सोशल मीडिया पर ये कि डर्टी जॉब्स हैं, इनको हम लोगों को करना चाहिए। ओके सर, क्या हम इसको सिर्फ एक एंगल से देखेंगे, क्योंकि ये घटना वाल्मीकि समाज के साथ हुई है, क्या हम इसको इसी एंगल से देखेंगे, वाल्मीकि समाज ही इसके ऊपर आवाज उठाए, क्या पूरे दलित नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल लड़के नहीं मिलकर नहीं लड़े, बिल्कुल मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। हाँ जी, इस ऑफिसर रजत को अपनी बात कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ दोबारा। रजत बताइए, देखिए इस मैटर में जिस लड़के का मर्डर, वो लड़का एक मॉडल था और सोशल एक्टिविस्ट भी था, तो कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के जागरूक साथी हैं, जो खेलों में आगे जाना चाह रहे हैं या और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा उन लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की जाती रही है। और इस तरह के जो हमारे जिस भाई की हमारी हत्या हुई है, इस तरह के लड़कों के प्रति दूसरे समाज के लड़कों में जलन होना एक नेचुरल बात है। तो कहीं ना कहीं ये एक कि कहीं ये आगे जाकर बहुत बड़ा बॉक्सर ना बन जाए, कहीं बहुत बड़ा मॉडल ना बन जाए, इसको अभी यहीं पर निपटा देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह की मेंटलिटी भी जरूर रही होगी, क्योंकि जितना जिस हिसाब से एट्रोसिटी का ग्राफ कम होना चाहिए था संविधान लागू होने के इतने साल के बाद, वो जो बढ़ रहा है एट्रोसिटी का ग्राफ, उसका कारण केवल इतना ही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी नौकरियों पर जा रहे हैं, अच्छे क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो इन लोगों के अंदर हम लोगों को लेकर बहुत ज्यादा बुखलाहट है, और जिसकी वजह से अत्याचारों का ग्राफ भी हमारे साथ ज्यादा बढ़ गया है। तो ये भी ये घटना भी इसी चीज का परिणाम है जी। ओके सर, क्या हम इसको, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं और आप मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम कर चुके हैं, क्या इसको हम जातियों के अंदर का जातिवाद का कंपटीशन समझें, क्या कौन सा मनोविज्ञान काम कर रहा है इसको? नहीं, अभी 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 बहुत 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 जल्दी जल्दबाजी होगी हम किसी कंक्लूजन पे जाए। पहले तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इसे जाति के अंदर बांधना नहीं है जी। ये एक ऐसे जो एक कन्या को एक 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 लड़की की इज्जत बचाते हुए मरा, इसे जाति के एंगल से हमें कोई इस चश्मे से नहीं देखना, ये सामूहिक लड़ाई होनी चाहिए, इसमें सभी वर्ग के लोग साथ आए तो बहुत अच्छी बात है। जाति के शब्द तो इसलिए आ रहा है कि वो इत्तफाक से बच्चा वाल्मीकि समाज से आता है, दूर समाज का है, वाल्मीकि किया जा रहा है, अदरवाइज तो ये घटना एट्रोसिटी की, दलित एट्रोसिटी के अंदर आएगी, SC ST वाले जी। सामूहिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हम जीत भी नहीं सकते। नहीं, सामूहिक होनी चाहिए, जैसे हाथरस में हुआ, देखे हाथरस में भी हर जाति का व्यक्ति, इवन ठाकुर ब्राह्मण लोग निकल कर आए उस लड़की उस वाले इस वाले मुद्दे के अंदर, हाथरस वाले मामले में हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में हैं इस मुद्दे को लेकर, हाथरस वाले को, तो उसमें भी हम ये नहीं देख रहे कि वो जातियों के अंदर हम लोगों ने उसको सीमित कर दिया है, ये सब ओपन रहेगा, जो हमें मदद कर सकता है सबका स्वागत है, हम सबकी मदद चाहेंगे, ये समाज सबकी मदद चाहेगा, सबका स्वागत रहेगा, इसको इस एंगल से नहीं देखना। मैं लेकिन एक बात मैं और कह दूं, हमें अपने लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। रजत इस मामले में बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है और हमें रोहतक में और अच्छे साथियों की तलाश करनी पड़ सकती है, रोहतक में ये लोगों साथियों हैं। कहा भी है कि आप लीगल पॉइंट को देखिए, हम लोग भी जितना हो सकेगा आपके साथ अच्छे जानकारी जुटानी पड़ेगी और सर ये भी है कि रजत क्योंकि हरियाणा में काम कर रहा है, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, तो एक सामूहिक रूप से इसकी लड़ाई को लड़ा जा सकता है। पक्की बात, बिल्कुल सही। तो हमें आपको क्या लगता है, क्या मेरे से पूछ रहे हैं आप? मैं रजत से पूछ रही थी। रजत जी, हाँ, मैं प्लीज एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या इस लड़ाई को हम सामूहिक रूप से लड़ते हुए साझा बंटवारे के रूप में, काम के बंटवारे के, जैसे आप लीगल पॉइंट को देखें, किसी की जिम्मेदारी लगाएं, जो एक तरह से आर्थिक रूप से उनकी मदद के लिए कुछ लोग, मैं जितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी या तमाम जितने लोग कंट्रीब्यूट करने के मतलब उसमें है, सक्षम है, वो करें, ऐसा कुछ मैकेनिज्म मैं आशा करूं आपसे कि आप करें,
जिसकी भी आप जिम्मेदारी देना चाहें परिवार के साथ मिलके। जी रजत बिल्कुल, इस मामले में हम अलग अलग वर्ग अलग अलग तरीके से मदद कर सकते हैं। जो लीगल टीम है, एडवोकेट की टीम है, वो इस मामले को लीगल हेल्प देकर मदद कर सकती है। जो हमारे समाज के संपन्न वर्ग के लोग हैं जी, जी वो आर्थिक रूप से इनको मदद दे सकते हैं। और जो हमारे साथी आईटी से और सोशल मीडिया के जाने पहचाने ब्रांडेड नेम है, वो इस मामले को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर उठाएं, और ताकि दूर दूर तक ये आवाज जाएगी इंडिया में, हरियाणा में इस तरह की घटनाएं आम हो रही है। पहले तो लड़कियों के साथ रेप और उस तरह की घटना होती थी, अब उनको बचाने वालों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और बिल्कुल ठीक आपका सजेशन है, इस मामले में ऐसा होना चाहिए। जवाब भी साथ ही साथ ले लेते हैं, मेरे पास सवाल आ रहा है सभी साथियों को। जय भीम, मैं देख रही हूँ कि देश में आए दिन जातिवादी टिप्पणी की जाती है, चाहे वह मूछ वाला मामला हो। पिछले दिनों मूछ रखने के वजह से हमारे एससी वर्ग के नौजवान को किस तरीके से जातीय प्रताड़ना दी गई, चाहे घोड़ी पे चढ़ने का मामला हो या अच्छे कपड़े पहनने का मामला हो या गालियां देने का हो। जैसे युवराज ने पिछले दिनों गालियां दी थी, ऐसे ही मुनमुन ने दी, ऐसे ही एक और कौन हीरो कोई ऐसे ही उसने भी यही जातिवादी गालियां दी। तो ये कोई ट्रेंड नहीं इस तरीके का चल रहा है, आपको क्या लगता है कि लगातार जो चल रहा है। मैं पहले प्रश्न पूरा कर लेती हूँ, नीलम गौतम का ये सवाल था, वो कहती है कि जातिवादी टिप्पणी की जाती है आए दिन, लेकिन कुछ ही लोग मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी बोलते आ रहे हैं, मगर आज भी हम बाबा साहब के सिद्धांतों को मनोसात नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि आज 15% लोग हम पर शोषण कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब जरूर चाहूंगी कि हम वाल्मीकि को भगवान बनाकर पूज रहे हैं जबकि वह ब्राह्मण है, ये मुझे लगता है ये इररिलेवेंट है हमारे इस पूरे प्रोग्राम के लिए। माफी चाहूंगी नीलम जी, हम अपनी उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते आज के डिबेट को, ये सवाल यही सवाल बचता है बस, इसके अलावा सारे सवाल पीछे रह जाते हैं। हम घूम फिर के ब्राह्मण वाल्मीकि था या नहीं था इसके अलावा किसी पे नहीं आते, इसी पे हमारी डिबेट चली जाती है, हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे। सीधा मुद्दे पे अंतिम सवाल के रूप में रजत आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इसमें न्याय मिलने की उम्मीद है परिवार को? बिल्कुल, इसमें न्याय मिलने की 100% उम्मीद है, और लेकिन इसके लिए हम लोगों को केस का और पुलिस जांच का पूरा फॉलोअप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि जैसे भी घटना आई उसके 10-15 दिन तक, हम कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि घटना के तुरंत बाद केवल फेसबुक पे लाइक्स के लिए, टीआरपी के लिए कुछ दिन घूम लिए, उसके बाद केस को छोड़ दिया। इस तरह का रवैया नहीं चाहिए हम लोगों को। इस केस का पूरा अगर फॉलोअप करेंगे, पुलिस जांच का पूरा फॉलोअप करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब जाकर इसमें जो एक्यूज्ड हैं उन लोगों को पनिशमेंट कन्विक्शन। ओपी सर मैं आपके पास अंतिम सवाल के रूप में लेके आ रही हूँ कि कानूनी प्रक्रिया में एक लंबा टाइम लगता है। हम जानते हैं कि इतना आसान जुडिशरी में न्याय मिलना नहीं है, जी आसान नहीं है, हमें भरोसा है अपनी न्यायपालिकाओं पे, लेकिन फिर भी एक लंबा जो पीरियड जो अदालतों में बीत जाता है और परिवार को न्याय नहीं मिल पाता, इसके बावजूद भी सरकार कोई मदद नहीं करती इस प्रक्रिया के दौरान, आपको क्या लगता है ओपी सर? क्या सरकार को क्या, आप सरकार से क्या जवाबदेही मतलब इस तरह से मानते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या हमारी मांग है सरकार? मैं आपसे फिर से वो पहले वाला प्रश्न करूंगा कि हम इस बारे में पूरी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर एट्रोसिटीज एक्ट आता है तो स्टेट गवर्नमेंट और हम सरकार, केंद्र सरकार पर भी दबाव बना सकते हैं, और स्पेशल कोर्ट बना के बहुत जल्दी स्पेशल कोर्ट के अंदर ट्रायल बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप ये जनरल कोर्ट में जाएंगे और इस पर एट्रोसिटीज एक्ट नहीं लगता तो ये केस कहां तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एट्रोसिटीज एक्ट लग जाने से एक हमको बेनिफिट होता है कि हम स्पेशल कोर्ट बनवाएंगे, स्पेशल कोर्ट बनवा के ट्रायल जल्दी से जल्दी खत्म कराएंगे, 3 महीने 6 महीने में, जैसे भी आपने देखा हाथरस में हुआ, मिर्चपुर में भी हुआ,
तो ये सारी चीजें अब हम उस स्थिति में हम इस केस में हमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये पूरी जाने बिना अध्ययन किए अपना होमवर्क किए हम अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर आप ये मैं एक बात जरूर दावे से कह सकता हूँ अगर इस केस में हमारी पैरवी सही तरीके से ईमानदार लोगों के हाथों में रही तो न्याय मिलना 200% गारंटी में दे सकता हूँ। अगर ईमानदार लोगों से और इसकी पैरवी की गई इस केस के अंदर तो न्याय मिलेगा। अब देखना यह है कि ढेर सारे लोग खड़े थे वहां जब उसको मारा है एविडेंस कौन बनाए गवाह कौन बनाए ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके बिना हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते। कौन आदमी गवाह देने के लिए तैयार है हमें हमारे हक में बोलने के लिए ये सारा अभी ये सारा देखकर हमें इसकी स्टडी करके हमें समझना पड़ेगा ये सारा। हमारे साथ में गौरव भीम जुड़ा हुआ है। गौरव बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में। म्यूट कर अनम्यूट कीजिए अपने आप को गौरव। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब बहुत समाज के इतने लोग जुड़े हुए हैं एंड कौशल हमारे प्रोफेसर हैं पवार जी एक अच्छी सोच के साथ समाज के सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। एंड देखिए इस मामले में जो बात जो रोहतक में जो हत्याकांड हुआ है और या हाथरस की जो घटना थी ये आप ही अगर यहाँ सोचते हैं ना कि ये मनुवादियों के लिए खिलाफ मनुवादियों के लिए गौरव जी दूसरी बात तो मत करिए मुझे सिर्फ हरियाणा के हत्याकांड के बारे में बताइए। हाँ, तो मनुवाद में क्या किया जातियों में क्या होता वो छोड़ देंगे क्योंकि हमारी बहस खत्म होने वाली है। मैं सीधा टू द पॉइंट जानना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ जी हमारे यहाँ एडवोकेट बैठे हैं रजत कल हांसी से ही है हरियाणा से ही है। देखिए रोहतक में जो हुआ वो एक बहुत ही ये नहीं सिर्फ रोहतक के अंदर हुआ पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा शर्मनाक ऐसा पूरा दुराचार चल रहा है खासकर दलित बहुजनों के साथ जहाँ पे वो बच्चे की उनको टारगेट किया जा रहा है जो पढ़े लिखे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कलम की ताकत दी है जो बच्चे कलम को अपना रहे हैं उन्हीं बच्चों को जानबूझ के शिकार किया जा रहा है। मैं तो इतना कहूंगा क्योंकि जो बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो समझ जाएंगे कि समाज के लिए करना कैसे है समाज के लिए उनको लड़ना कैसे है समाज के अधिकार जानते हैं कानून को जानते हैं और बाबा साहब का प्रचार करते हैं उन्हीं बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और ये बहुत निंदनीय काम रहा है जो ये रोहतक के अंदर हुआ है। मैं ये हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी शर्मनाक है कि एक स्टेट लेवल के बॉक्सर और मतलब जो पूरे समाज को पूरे देश के लिए नाम आगे लेके जा रहा था उसने एक बेटी की आबरू को बचाने के लिए प्राणोछावर कर दिए। लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं वो राजनीति के अंदर इतने शर्मसार डूबे हुए हैं इन लोगों को मकसद सिर्फ इतना चाहिए इनको एजेंडा मिल जाए तो ये काम करते हैं इनको कोई फंक्शन मिल जाए तो ये आगे बढ़ेंगे। आज देखिए आज के हालात में देख लीजिए कि ये कौन से समाज के लोग ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए झगड़ा किसी और का था ठीक है वो किसी और समाज से थी लेकिन बेटी को तो हम बेटी को बेटी मानते हैं ना हरियाणा के लोग इतने निकम्मे वो बेटे ने उसने इतना अच्छा काम किया उसने उस चीज को रोका उस पर आवाज उठाई उसका कत्ल हो जाता है और कत्ल हो जाने के बाद भी वो फरार हो जाते हैं। अब मैं आपको हिसार के अंदर की घटना बताऊं कि परसों ही हिसार के अंदर भी एक व्यापारी को एक लड़के को मर्डर हो गया रात को। मैं तमाम दर्शकों का और हमारे साथ जो अधिवक्ता है रजत कलसन जी ओपी जी क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है मैं इस चर्चा को विराम दूंगी लेकिन विराम इस रूप में नहीं क्योंकि ओपी सर ने भी कहा कि अभी हमारे पास आधे अधूरी चीजें हैं एकदम फैक्ट अभी तक हमारे पास नहीं है। रजत भी इसमें लगे हुए हैं उसको उनके पास भी अभी तक पूरी की पूरी सूचनाएं इकट्ठी नहीं है तो हमें इस पे और काम करने की जरूरत है। हमारा ऑफिसर आज का उद्देश्य जो था बातचीत करने का वो ये कि स्वच्छता समाज की आवाज की तरफ से ये जो घटना जो हुई रोहतक में उसको एक तरह से लाइमलाइट में लाने का काम किया जाए जो अभी तक मीडिया जो सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है सिर्फ अभी तक हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया ने इस सवाल को उठाया नहीं है ना ही हरियाणा गवर्नमेंट के किसी चैनल ने और ना ही हमारे दिल्ली के किसी चैनल ने। तो अभी हाल फिलहाल हमारे पास यही है हम इसके ऊपर बात करेंगे स्वच्छता समाज की आवाज के चैनल की तरफ से भी लोग वहां जाएंगे और फाइनेंशियली मदद जितनी हम हो सकेगी परिवार की मैं अपने चैनल की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ हमारे लंदन के कुछ साथी इसमें लगातार नजर लगाए हुए हैं फ्रांस के कुछ लोग हैं और अमेरिका के कुछ लोग हैं जो परिवार की आर्थिक मदद भी चाहते हैं हम उनसे मदद भी लेंगे ताकि उनके परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रोफेसर जी एक चीज मैं आपको प्रोफेसर जी